कुछ सकते नहीं कुछ सकते। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज परी कैमरा गर्ल है, देखिए वहाँ पर। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। और यहाँ पे मेरे पापा वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, इस प्रचंड ठंडी में कहीं जा नहीं रहे हैं बाहर, बिकॉज तबीयत खराब हो जाता है। और मेरे पैर में वैसे भी पेन अभी यहाँ पे हो रहा है। तो ये एक डॉक्टर है जो बहुत ही पॉपुलर है, सुगौली में हमारे आते हैं संडे को। संडे तो मैं संडे को जाऊंगा और वहाँ पे दिखाऊंगा, देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है वहाँ पे। गाइस, तो ये देखिए मेरी माँ। गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। और यहाँ पे है पल्लवी दीदी। गाइस को हाय बोलो। गाइस को हाय बोलो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। गाइस, तो ये कितना ज्यादा फॉग है। इस मौसम में हम लोग कहीं घूमने ही नहीं जा सकते, लो इतना फॉग है। कुछ देर बाद ना और हो जाएगा। और वहाँ पे हमारे दादा दादी हैं, आग जला के अपना हाथ ताप रहे हैं। ये तो मैंने ऑर्डर नहीं किया था। ये नहीं, मैंने ही किया था। हला गया समझ में। बताओ इस बैग में क्या निकलेगा? गेस करो। गाड़ी का ही सामान है, कोई पंचर किट है। अच्छा। गाड़ी जो पंचर हो जाता है रास्ते में ना, तो ये रहता है, तो इससे ठीक कर लेते हैं। देखो, और ये है जहाँ पे पंचर होगा, इसमें पानी डाल देंगे और उस पर स्प्रे करके देखेंगे कि कहाँ से हवा निकल रहा है। ये देखिए। हाँ। ये क्या है? ये अगर नहीं, टायर में अगर कोई कील चुप जाएगा तो इसे पकड़ के और कील को ऐसे खींचने के लिए। इसको भी देख लीजिए। अब ये है मेन चीज, ये इसको इसमें लगा के और टायर में भर देंगे, पंचर बन जाएगा। और भी कुछ है? क्या है ये? है टायर को होल करने वाला। होल? हाँ, देखो इसको ऐसे होल करके और तब इसका जो ये है ना, इसको उसमें लगाते हैं। सब सही है, जो भी सामान आया है, सब जो मैंने ऑर्डर किया था वो आ गया है। और ये जरूरी था, जरूरी इसलिए था गाइज कि जब भी कहीं बाहर जाते हैं ना, तो डर बना रहता है कि कहीं गाड़ी अगर पंचर हो गया अपना तो बनाएंगे कैसे। हर जगह तो पंचर वाला मत मिलेगा। जब गाड़ी को सही करेंगे ना, तो ये दस्ताना पहन के करेंगे ऐसे। इसका स्टिचिंग देखो कितना है, छोटा है और हाथ में बिल्कुल फिट आ रहा है। चलो गाइज, ये तो काम हो गया। अब कहीं भी लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। देखो ऐसे, बजाते रहो, तुम्हारा काम मिल गया। आज तो गाइज मस्त धूप निकल गया है, तो इस मौसम में तो नहाना बनता है। देखिए सूर्य देवता कितना खुश नजर आ रहे हैं। आज गांव में लाइट दिख रहा है। तो अभी गाइज मस्त नहा लिया, जो भी ठंडी था नहाने से पहले ही, नहाने के बाद सारी ठंडी खत्म। अभी टाइम हो गया है 4:19। तो अभी तो कहीं जाएंगे तो फिर से शीतलहरी शुरू हो जाएगा, तो मजा नहीं आएगा घूमने में। अगर सुबह से धूप निकलता है तो जाते कहीं। चलिए नेक्स्ट डे यानी कि कल देखेंगे, है ना? नहीं है। ओ, मैं ब्याज जोड़ के दे दूंगा, ठीक है? इंटरेस्ट ही तो चाहिए ना, तो मैं इनको दे दूंगा। क्या बोल रहे हो? पैसा चोर। पापा जी मामा के अकाउंट से चोरी कर रहे हैं। पैसा चुरा लिए। चुरा कहाँ, मांग रहे हैं। मांगने में और चुराने में फर्क नहीं होता है, मांग रहे हैं, चुरा कहाँ रहे हैं। आपको पैसा चोर बोलना है? अपने जैसा समझ रहा है, अपने जैसा। देखो अपने बहनों का चॉकलेट पैसा चुराता रहता है। एनिवर्सरी के लिए कितना रुपए इकट्ठा कर लिए? किसकी एनिवर्सरी के लिए? कब है? 45 दिन बाद एनिवर्सरी मनाएंगे अपना। तो गाइज लोग का साथ रहेगा तो मनाएंगे जरूर। तो चलो देखते हैं, लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग भी अपना एनिवर्सरी मना सके। बच्चे लोग का भी इंतजार है कि मम्मी पापा का एनिवर्सरी मनाएंगे लोग। गिफ्ट खरीदने के लिए ये लोग
पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे लाला के इकट्ठा करते हैं, मेरे ही पैसे। रुपए भी चुरा लिया था। अब बताओ। हम तो डिसाइड कर लिए हैं क्या देना है। क्या? हम नहीं बताएंगे। हम भी डिसाइड कर लिए हैं, लेकिन हम तो डिसाइड किया, ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा, वो तो पता चल जाएगा। और तुम युवराज? हम खुद से ऑर्डर करेंगे। नहीं बताएंगे। नहीं, उतना महंगा आप तो कंगाले हो जाएंगे। सेलिब्रेशन? नहीं। देखिए गाइस, इन बच्चों को जितना इनको अपने बर्थडे का एक्साइटमेंट नहीं रहता है, उससे कहीं ज्यादा इनको एक्साइटमेंट है मेरा और देवी जी के एनिवर्सरी का। देखिए, चलो देखेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। पता है गाइस मैं क्या सोचता हूँ, कि अगर मैं वायरल हो जाता ना, तो मैं अपना जो एनिवर्सरी है वो कुछ अलग तरीके से मैं सेलिब्रेट करता। अलग तरीके से मैं क्या सेलिब्रेट करता, कि मैं कुछ खाने वाला चीज़ जो बढ़िया बढ़िया होता है उसको मैं लाता, 100-150 डब्बों में पैक कराता, और मैं यहाँ से अपने गाड़ी में पैक करके निकलता, और जो गरीब होते हैं, जो बेघर होते हैं, रोड के पास बैठते हैं ना, उन लोगों को मैं डोनेट करता। बट गाइस उतनी कैपेसिटी है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट साल जब अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे तो उसी अंदाज में करेंगे। तो अभी गाइस मैं कहीं पर जा रहा हूँ, और अभी का जो ब्लॉग है ये बच्चे करेंगे घर पर ही, और अगर इन लोगों का मन करेगा तो उधर खेतों में भी जाके उधर ब्लॉग करेंगे, सोर्सों वर्सों दिखा देंगे आप लोगों को। और गाइस मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे थोड़ा प्राइवेसी का प्रॉब्लम है। प्राइवेसी का प्रॉब्लम ये है कि बड़े बड़े जो होते हैं ना, पुराने ज़माने के, जिनका बहुत बड़ा बड़ा विरासत होता है, रईस ज़्यादा होते हैं, तो उधर विदाउट परमिशन ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं। अगर परमिशन मिल गया तो कभी मैं उधर का भी व्यू आपको दिखाऊँगा, जाऊँगा उधर का, मैं वीडियो करूँगा। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं, और अपना जो मोबाइल है ये कौन करेगा ब्लॉग? हम। लड़ाई नहीं करना है, ठीक है? ओके। जो भी करोगे अच्छा से करो। तो अब वाह, तो गाइस पापा को जिस जगह काम था पापा वहाँ पे चले गए हैं, और फिलहाल के लिए ब्लॉग मैं और परी संभालेंगे। लो तो अभी मैं जा रही हूँ खेत में, आपको दिखाऊंगी कि शाम के टाइम खेत का कैसा व्यू होता है। और देखिए युवराज को पापा के जाते ही चौको पे लेके खाने लगा। पूछे हो, चलो खेत में चला जाए। तो गाइस ये दीवार युवराज से ऊंचा है, इसलिए वो चेयर लगा के आ रहा है, आना पकड़ लेंगे। और देखिए और अध्याय को निंजा टेक्निक लगा रही है। वाह, सारा कुछ जम करके आया युवराज, ऐसे ही आएगा। जल्दी चढ़ो, जम करो, उतार दोगे अध्याय उसको, हो जाएगा, भरोसा करो। बैठो ना, बैठो दो, कूदो, नहीं मत कूदो, गिर जाओगे। इस पे बैठ कूद सकते हैं हम, सकते हैं। नहीं कूद सकते, इस पे बैठ जाओ, बैठो। हाँ, जल्दी उतरो, उतरो, कूदो, 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 मजा आ गया। और गाइस बगल में ये आलू का खेत है, देखो हम लोग का सरसों का खेत, अंदर जाओगे तुम्हारा रील बना देते हैं सरसों में। हाँ बहुत सुंदर आता है, आगे बनाना। और इसके बगल में है बकला का खेत, इस बकला का दाल बनता है। तो गाइज यहाँ पे है पीपल का पेड़, और इसको बहुत लोग भूतिया पेड़ मानते हैं। तो गाइज देखिए यहाँ पे छोटा छोटा गेहूँ का पौधा है, और वो बसवारी है सामने जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे लोग कहते हैं भूत रहता है। तो गाइज पल्लवी दी ब्लॉग कर ली, और देखिए सनसेट होने वाला है, तो अभी का ब्लॉग मैं कर रही हूँ। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं कि कहीं भूत आके हमें खाना ले। अब पिस्ता खा लो, उसके बाद सब कोई बैठ जाओ पढ़ाई करने। हाँ पढ़ाई करने बैठ जाएंगे। ओके। एक बुक है उसमें, संडे मंडे भी है। ठीक है, थोड़ा सुना के गाइस लोगों को। संडे मंडे, संडे मंडे, ट्यूसडे, मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। वाह, जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तुम तो काफी समझदार हो गए हो। ठीक है बैठो पढ़ाई करने। बोला है। तो गाइज अभी इवनिंग का समय हो रहा है, और देखिए यहाँ पे है युवराज, परी भी है, आराध्या भी है। क्या कर रहे हो युवराज? हम पापा जी का वेट कर रहे हैं। अरे युवराज वो देखो पापा जी आ गए। आ गए? हाँ। वाह एकदम सही टाइम पे आए हैं। पूछो ना लेट क्यों हो गया इतना? पापा जी इतना लेट क्यों हो गया है? लेट इसलिए हो गया कि वहाँ पे थोड़ा मीटिंग था, स्पेशल मीटिंग। अच्छा इसीलिए लेट हो गया। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? आपका वेट कर रहे थे। मेरा वेट कर रहा था? हाँ। अरे और जब मैं कश्मीर चला जाऊंगा तब तो किसका वेट करेगा?
दोस्तों ये जो मौसम है ना, इस मौसम में बाइक पे बहुत मुश्किल है। मैं बिल्कुल एकदम ठिठुर गया ठंडी में। हाथ तो बिल्कुल एकदम लगता है कि जैसे बर्फ में से अभी मैं डाल के निकाला हूँ, वैसा लग रहा है। बिल्कुल ठंडा गाइज, बहुत काफ़ी ठंडा है अभी तो। अभी गाइज देवी जी का किचन में जो डेली वर्क होता है वो अपना कर रही है, चाय बना रही है मेरे लिए, और पल्लवी जो है उनका हेल्प अप करने लगी है, और परी भी है साथ साथ में। पढ़ाई के साथ साथ है ना, लड़कियों को कुकिंग भी जरूरी होता है। और युवराज जो है अपना घोंसला में बैठा हुआ है और आराध्या इसको पढ़ा रही है। घोंसले में नहीं बैठे, घोंसले में पेंसिल लेने गए थे। पेंसिल पढ़ा रही है, सही से पढ़ा रही है। हाँ, सही है, सही है। गेट से अपना चाय ले लीजिए। सर्विस विंडो है, गेट क्या है, सर्विस विंडो है। तो ये गाइस देवी जी ने चाय बना के दे दिया, अब थोड़ा राहत मिलेगा ठंडी से। आ जाओ गाइस, ब्लॉग इन कर देते हैं। तो गाइस मेरे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, इन लोगों ने तो ब्लॉग बढ़िया ही किया होगा, मैंने देखा नहीं अभी। आज का जो ब्लॉग है वो अपने इवनिंग टी के साथ इन करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, ताकि मैं और भी अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाऊं। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।